सो गाइस फाइनली इस वीडियो में हम बहुत सारे इनसाइडर चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये लास्ट ईयर आपका डीजे सांगवी का वैकेंसी राउंड 4 जो कंडक्ट हुआ था 25 अगस्त 2023 को कंडक्ट हुआ था। लास्ट राउंड था, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या गया, ओपन कैटेगरी में 20 परसेंटाइल पे स्टूडेंट्स को मिला था। मतलब अगर आपके 20 परसेंटाइल भी आ रहे हो ओपन कैटेगरी में और अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच में इंटरेस्ट हो तो आपको डीजे सांगवी जैसा टॉप कॉलेज मिल सकता है। एंड फाइन गाइस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कम मत समझो, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 23-24 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज 18 लाख का गया और एवरेज पैकेज 5 लाख का है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को 5 साढ़े 5 लाख का एवरेज पैकेज तो मिल ही रहा है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब बाकी कॉलेज का जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज हाईएस्ट पैकेज रहता है ना, उतना डीजे सांगवी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट एंड एवरेज पैकेज है। तो सोचो बहुत सारा डिफरेंस है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बहुत सारी इनसाइडर चीजें मैं आपको आज देने वाला हूँ, बहुत सारी सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सभी की फाइनल आंसर क्या आ चुकी होगी, होप सो आप सभी ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर दिए होंगे और अपने अपने परसेंटाइल रेंज भी कैलकुलेट कर दिया होगा कि आपको एक्सपेक्टेड कितने परसेंटाइल आ सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं आपके कितने परसेंटाइल आ रहे हैं तो हमारे वीडियो चैनल पे जाओ, चैनल पे लास्ट वीडियो अपलोडेड है रिगार्डिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो वहां से जाके कैलकुलेट करो कि आपके एक्सपेक्टेड परसेंटाइल रेंज क्या रहेगी। और परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट होने के बाद कैलकुलेट किया आपको कौन कौन से कॉलेज ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको कैप राउंड से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वैकेंसी राउंड से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट राउंड से कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये सब कैलकुलेट करना शुरू कर दो और एक कॉलेज लिस्ट बनाना शुरू कर दो। एंड गाइस इसीलिए मैं आप सभी की हेल्प के लिए अभी हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, कॉलेज रिव्यू सीरीज। अभी इस सीरीज में हम सब कुछ देखेंगे, हर दिन आपको एक कॉलेज के ऊपर रिव्यू देखने को मिलने वाला है चैनल पे। सो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख दो। एंड फाइनली अगर चैनल पे आए हो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल पे आप सभी को एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड सारे डाउट्स आपके सॉल्व होंगे, सारी अपडेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, कौन से राउंड कौन से दिन पे कौन सा राउंड चल रहा है, कौन सा मैनेजमेंट राउंड है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड है, सब कॉलेजेस के ऊपर आपको अपडेट्स मिलने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट, आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डीजे सांगवी कॉलेज के ऊपर। सो सबसे पहले व्हाई डीजे सांगवी। सो आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट डीजे सांगवी। सो डीजे सांगवी का मुझे अंदर का बाहर का सब कुछ मालूम है कि अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है। सो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि डीजे सांगवी का कॉलेज रिव्यू करेंगे कि कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, उस ब्रांच की कैप राउंड की कट ऑफ क्या गई थी, वैकेंसी राउंड की कट ऑफ क्या गई थी, फिर आपके इस कॉलेज का रैंक क्या है, कॉलेज की प्लेसमेंट किस तरीके से हो रही है, कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं, बाकी कॉलेज की लाइफ कैसी है। कॉलेज की लाइफ के ऊपर तो बहुत वीडियोस मैंने अपलोड भी करके रखे। आप चैनल पे जाना, चैनल पे पॉडकास्ट सेक्शन में जाना, वहां पे डीजे सांगवी दिखेगा आपको। तो वहां पे आप पूरे डीजे सांगवी कॉलेज लाइफ देख सकते हो कि फेस्ट किस तरीके से होते हैं हमारे कॉलेज में, कॉलेज में स्पोर्ट डे किस तरीके से मनाया जाता है, सब चीजें वहां पे आपको दिखेगी। कॉलेज लाइफ के लिए पॉडकास्ट में जाना, पॉडकास्ट में आपको डीजे सांगवी दिख जाएगा। ये हुआ। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीजे सांगवी रैंक। सो ओवरऑल मुंबई में डीजे सांगवी कहाँ स्टैंड करता है। सबसे पहले मुंबई में जाओगे तो मुंबई में सबसे पहले विजेटीआई आता है, विजेटीआई के बाद एसपीआईटी आता है। एसपीआईटी में आपको तीन ब्रांच देखने को मिलती है। एसपीआईटी में आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद आईसीटी मुंबई फॉर केमिकल रिलेटेड इंजीनियरिंग। उसके बाद एसपीसी, एसपीसी इज फॉर कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। कोर में आपका मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, वो एसपीसी में आता है। उसके बाद आता है डीजे सांगवी का नंबर। तो उसके बाद डीजे सांगवी स्टैंड करता है और टेक ब्रांचेस के लिए डीजे सांगवी स्टैंड एट रैंक 3। सो रैंक 3 कॉलेज आपको टेक ब्रांचेस को देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे पहले सीओईपी, उसके बाद विजेटीआई, उसके बाद एसपीआईटी, उसके बाद पीआईसीटी, उसके बाद कमिंस, और कमिंस के बाद आप डीजे सांगवी को नंबर दे सकते हो फॉर द टेक ब्रांचेस। सो पूरे महाराष्ट्र में रैंक 6 है डीजे सांगवी। और डीजे सांगवी के बाद आपका आता है वालचंद सांगली, फिर आपका वीआईटी पुणे। तो ये कॉलेजेस है आप सभी के लिए। सो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले डीजे सांगवी का प्लेसमेंट्स, ब्रांच, सीट्स अवेलेबिलिटी, सीट इनटेक कैपेसिटी, एंड फाइनली आपको इनसाइडर भी बताऊंगा कि लास्ट ईयर डीजे सांगवी में 20 परसेंटाइल पे ही बच्चों को सीट मिली थी। सो कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, स्पॉट राउंड में कैसे अप्लाई करना है, सब चीजों का आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली अभी हम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम डीजे सांगवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। सो डीजे सांगवी का सबसे पहले तो एल्यूमिनाई नेटवर्क देखते हैं।
पॉडकास्ट सुनी ही होगी, यूट्यूब पे तो पॉडकास्ट देखी ही होगी रणवीर अलाहाबादिया की. सो रणवीर अलाहाबादिया, सो इट्स वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट एल्युमिनाई. 2014 बैच पास आउट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच. सो यहाँ पे आप जैसे डीजे सांगी की वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट पे यहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दिखेगा रिगार्डिंग एडमिशन. यहाँ पे आप देख सकते हो इनटेक एंड फी. अभी हम इनटेक कैपेसिटी देख लेते हैं, फीस देख लेते हैं. सो डीजे सांगी में इस साल 2024 के लिए आप सभी के इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में 180 सीट्स का इनटेक है, आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच में 180 सीट्स का इनटेक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में 180 सीट्स का इनटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 180 सीट्स का इनटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डेटा साइंस में 180 सीट्स का इनटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में 120 सीट्स का इनटेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में 60 सीट्स का इनटेक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद आईओटी साइबर सिक्योरिटी में 60 सीट्स का इनटेक है. डीजे सांघवी की ऑफिशियल आपकी जो ओपन कैटेगरी की जो फीस जाती है इट्स अराउंड 2,21,000. बट डीजे सांघवी में आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यहाँ पे आपके दो टाइप की स्कॉलरशिप होती है, एक होती है ईबीसी स्कॉलरशिप, एक होती है आपका माइनॉरिटी स्कॉलरशिप. दो में से एक ही स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो. अभी ईबीसी स्कॉलरशिप में आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है एंड माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में आपको 50,000 एवरी ईयर मिलता है. अभी स्कॉलरशिप में अप्लाई किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल लगा सकते हो. आप हमारी 1-on-1 काउंसलिंग भी खरीद सकते हो. इसके ऊपर आप सबको सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ईबीसी स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करें. ईबीसी स्कॉलरशिप में आपको ऑलमोस्ट 1 lakh rupees रिफंड आते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. ये सारी इनसाइडर बातें, तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू स्कॉलरशिप आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी लगा सकते हो. अभी क्या है व्हाट्सएप पे 300-400 मैसेजेस पेंडिंग है, देखने के ही पेंडिंग है. सो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई बहुत लेट मिल सकता है. सो आप बिंदास हमें कॉल लगा देना, विल आंसर योर कॉल. सो ये हुआ आपका सीट इनटेक कैपेसिटी एंड फी स्ट्रक्चर के ऊपर बात. अभी हम बढ़ते आगे नेक्स्ट. सो अभी कट ऑफ के ऊपर आते हैं. सो सबसे पहले तो हम कट ऑफ देखे कहा, ऑफिशियल वेबसाइट पे कट ऑफ दिख ही नहीं रहे. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, वहां पे कॉलेज सिंप्लीफाइड सर्च करना है, collegesimplified.in. अभी ये वेबसाइट है collegesimplified.in. आप नीचे वेबसाइट के लिंक भी देख सकते हो. उस वेबसाइट पे जाके कॉलेजेस में जाना. कॉलेजेस में आपको दिखेगा यहाँ पे MHT CET 2024 PCM इंजीनियरिंग ग्रुप. सो आप उस पे क्लिक करना. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट है कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है MHT CET का, वो प्रोसेस है. उसके बाद नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखेगी. नाउ दिस इज द ऑफिशियल कैप राउंड कट ऑफ. आपके जो सीईटी सेल की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, यहाँ पे ऑफिशियल कट ऑफ के डॉक्यूमेंट्स है. जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ. सो ये आपके ऑफिशियल कट ऑफ है, ये आपके सीईटी सेल की ऑफिशियल कट ऑफ है. तो आप इस वेबसाइट पे जाके ऐसे आप वेबसाइट पे कट ऑफ चेक कर सकते हो. यहाँ पे कैप राउंड 1, 2 एंड 3 तीनों की कट ऑफ है और जेई मेंस की कट ऑफ भी नीचे है. अगर आपको ऑल इंडिया सीट से अप्लाई करना है तो आप जेई मेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. डीजे सांघवी कॉलेज हो गया, कोई भी कॉलेज हो गया एमएचटी सीईटी के थ्रू, तो वहाँ पे आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करोगे तो उसकी कट ऑफ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एंड इट्स एन ऑफिशियल कट ऑफ बाय सीईटी सेल. सो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो. अभी हम कट ऑफ के ऊपर आते हैं. सो अभी आप देख सकते हो डीजे सांघवी कैप राउंड 1 का कट ऑफ है, 2023-24 का लास्ट ईयर का कट ऑफ है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जनरल ओपन के लिए 99.54% पे क्लोज हुआ था, माइनॉरिटी के लिए 98.49 पे क्लोज हुआ था एंड TFWS के लिए 99.33 क्लोज हुआ था. अभी TFWS क्या है, TFWS मतलब टोटल ट्यूशन फी वीवर स्कीम. इस स्कीम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिलती है और आपकी फीस जो होती है ना इट्स जस्ट अराउंड 20-25,000. So, आपकी पूरी ईयर की फीस 25,000 रह जाएगी. बट इसका कट ऑफ देखो, TFWS का कट ऑफ 99.97.12 कट ऑफ गया था. AIDS ब्रांच के लिए ओपन के लिए 99.0, माइनॉरिटी के लिए 96.20, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए ओपन के लिए 97.88 एंड माइनॉरिटी के लिए 89% है. अभी डीजे सांघवी में गुजराती माइनॉरिटी होती है. सो जितने भी गुजराती स्टूडेंट्स है मोस्ट वेलकम टू डीजे सांघवी. डीजे सांघवी में आपको गुजराती सीट्स बहुत लो कट ऑफ पे मिल सकती है. आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जनरल कट ऑफ क्या जा रहा है, 97 जा रहा है और माइनॉरिटी के लिए जा रहा है 89. सो अगर आप गुजराती माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप इसका फायदा उठाओ. अगर आपको माइनॉरिटी रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि माइनॉरिटी में अप्लाई कैसे करते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, माइनॉरिटी का एफिडेविट कैसे करते हैं, कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग माइनॉरिटी तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप मुझे बिंदास कॉल लगाओ, हम आपको पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे.
उसके बाद डीजे सांगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैप राउंड वन में 96.23 पे क्लोज हुआ फॉर ओपन, एंड फॉर माइनॉरिटी 62% पे क्लोज हुआ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, आपका ओपन के लिए 99.0 गया था, माइनॉरिटी के लिए 96.49 गया था। कंप्यूटर साइंस विद आईओटी साइबर सिक्योरिटी, ओपन के लिए 98.85 एंड माइनॉरिटी के लिए 94.89। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ओपन के लिए 99.32 एंड माइनॉरिटी के लिए 95.85। सो ये थे आपके कट ऑफ फॉर ओपन कैटेगरी एंड माइनॉरिटी कट ऑफ। होप्स आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी ये थे कैप राउंड वन के। अभी यहाँ पे आप कैप राउंड थ्री के कट ऑफ भी देख सकते हो, थोड़ा सा माइनर चेंज आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता कैप राउंड वन और थ्री में, थोड़ा सा पॉइंट में ही चेंज आएगा बिकॉज इट्स अ टॉप कॉलेज, 99% की कट ऑफ जा रही है, तो थोड़ा सा माइनर चेंज ही आता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ओपन के लिए 99.39 पे क्लोज हुआ, माइनॉरिटी के लिए 98.46 पे क्लोज हुआ। आईटी 99.0 पे क्लोज हुआ, माइनॉरिटी के लिए 97.5 पे क्लोज हुआ। AIDS 98.96 पे क्लोज हुआ, माइनॉरिटी के लिए 96.66 पे क्लोज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक 98 ओपन के लिए एंड 98.66 माइनॉरिटी के लिए। नाउ इट्स एन एक्सेप्शनल कि यहाँ पे एक स्टूडेंट होगा जिसको हाई परसेंटाइल पे एक ही सीट बची होगी इन माइनॉरिटी इन कैप राउंड थ्री, तो उसको हाई परसेंटाइल पे माइनॉरिटी पे वो सीट अलॉट हुई है। इट्स एन हाई चांसेस, ऐसा भी होता है, बहुत सारे रेयर केसेस होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन के लिए 95% है, माइनॉरिटी के लिए 92% है। देखो कितना चेंज आ गया। कैप राउंड वन में मैकेनिकल क्लोज हुआ था आपका 62 पे क्लोज हुआ था वन राउंड वन में, और राउंड थ्री में वही आते आते 92 पे क्लोज हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसा भी होता है कि आपकी कट ऑफ ड्रास्टिकली कैप राउंड थ्री में बढ़ जाती है बिकॉज सीट्स लिमिटेड होती है और बहुत सारी सीट्स एक्वायर हो जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, तो वहां पे बहुत वैकेंट सीट्स बहुत कम होती है, इसीलिए कट ऑफ बढ़ जाते हैं लास्ट लास्ट में। सो इसीलिए कैप राउंड वन में सबसे पहले कॉलेज लॉक करके बेटरमेंट के लिए जाओ। सबसे पहले कैप राउंड वन में अपना कॉलेज लॉक करो, फिर आप बेटरमेंट के लिए जाओ, ये चीज याद रखो। और इसके प्रोसेस का आपको डाउट होना तो काउंसलिंग खरीद लो। काउंसलिंग इट्स चार्ज, इट्स जस्ट चार्जेबल 1000 रुपीज। ये पूरी प्रोसेस हम काउंसलिंग में आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप आगे आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, क्या आगे आपको कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, आपको बेटरमेंट में जाना है या फिर कॉलेज को फ्रीज करना है, एडमिशन लेना है, सब चीजें के ऊपर हम काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। और काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो आप देखो यहाँ पे फिर कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस कैप राउंड थ्री में 98.8 पे क्लोज हुआ, माइनॉरिटी के लिए 99.0 पे क्लोज हुआ। कट ऑफ देखो कितनी चेंज हो गई कैप राउंड वन और कैप राउंड थ्री में। साइबर सिक्योरिटी ओपन के लिए 98.76 पे एंड माइनॉरिटी के लिए कोई सीट्स ही नहीं बची थी उस टाइम कैप राउंड थ्री में। AIML के लिए भी आपका जनरल ओपन 99.0 पे और माइनॉरिटी के लिए 97.89। सो ऑलवेज ट्राई फॉर द कैप राउंड वन। कैप राउंड वन में जितना जल्दी सीट मिल सकता है उतना अच्छा फॉर्म बनाओ। अगर आपको फॉर्म बनाना नहीं आता तो डू अवेल आवर काउंसलिंग सर्विस। अभी हमारी काउंसलिंग कहाँ से खरीदनी है आपको मैंने जो वेबसाइट बताई collegesimplified.in, उसमें आप काउंसलिंग में जाना। काउंसलिंग में यहाँ पे आपको काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ पे लिखा है एनरोल इन वन ऑन वन काउंसलिंग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें और वन ऑन वन काउंसिलिंग है, हम कोई ग्रुप में काउंसिलिंग नहीं करते। हमारे ओनली 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, हम 100 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। अभी ऑलरेडी हमारे 50 स्टूडेंट्स फिल हो चुके हैं, नाउ वी आर ओपन फॉर ओनली लास्ट 50 सीट्स। अगर आपको काउंसिलिंग लेनी हो तो आप वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आपको स्पॉट राउंड की कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, कौन से दिन को आपको कौन से स्पॉट राउंड में जाना है, क्योंकि स्पॉट राउंड बहुत कंफ्यूजिंग राउंड है और वहाँ पे सीट वैकेंसी भी बहुत कम रहती है। तो स्पॉट राउंड में कौन से दिन को कौन से कॉलेज में जाना है इसकी प्रॉपर गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा काउंसलिंग का चार्ज है 1025 रुपीज, जहाँ पे आप वेबसाइट पर जाके यहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। और आपको वेबसाइट पेमेंट ही करना है, किसी भी गूगल पे पे पेमेंट नहीं करना। वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करोगे आपको इनवॉइस मिलेगा आपके ईमेल पे। सो आपको कंप्लीट वेबसाइट पेमेंट ही करना है यहाँ पे। सो गाइस ये था काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट। बाकी हमने कैप राउंड की कट ऑफ देख ली, अब बात करते हैं वैकेंसी राउंड में कट ऑफ क्या जाती है। कैप राउंड की तो कट ऑफ देख ली, सब 99% पे ऊपर ही है ओपन के लिए। अभी हम स्पॉट राउंड की कट ऑफ चेक करते हैं। अभी ये स्पॉट राउंड की कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी राउंड फोर काउंसलिंग राउंड जो हुआ था आपका लास्ट ईयर 25 अगस्त 2023 को,
यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड में इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन ओपन के लिए 91 एंड जनरल माइनॉरिटी गुजराती माइनॉरिटी के लिए 86.69 पे, आईटी के लिए ओपन के लिए 97.46, गुजराती माइनॉरिटी के लिए 96.20, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ओपन के लिए 98.32, माइनॉरिटी के लिए 98.40। मैकेनिकल इंजीनियरिंग द ड्रास्टिक ब्रांच, यहाँ पे देखो ओपन कैटेगरी के लिए 20% आई, मतलब 20% आई पे भी आपको डीजे सांग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज देखोगे ना, मैकेनिकल का हाईएस्ट पैकेज 18 LPA का है और एवरेज पैकेज 5 लाख का है, सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच का बोल रहा हूँ। ये कॉलेज का एवरेज पैकेज तो हमारा 10 लाख का है, बट मैकेनिकल का, अकेला मैकेनिकल का एवरेज पैकेज 5 लाख का है एंड हाईएस्ट पैकेज 18 LPA का है। फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस पे आप देख सकते हो 96.87, 96.22। बाकी आप अदर ब्रांचेस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीन पे। ये थे आपके वैकेंसी राउंड के कट ऑफ। अभी वापस से हम डीजे सांगवी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप डीजे सांगवी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि प्लेसमेंट क्या गया था। डीजे सांगवी में जो प्लेसमेंट ज्यादा जाता है, यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज यहाँ पे 10+ LPA का मिलता है। एवरेज पैकेज इज अराउंड 10.78 LPA, मीडियम पैकेज इज 10.10 LPA। अब मीडियम क्या होता है, जैसे आपने 10वीं में पढ़ा होगा 100 बच्चों का काउंट होता है, उसमें जो मीडियन होता है मतलब 50 बच्चे आपको उसके ऊपर मिलेंगे, 50 बच्चे आपको 10 LPA के नीचे मिलेंगे। ये होता है आपका मीडियन पैकेज। यहाँ पे आपको अगर आपके प्लेसमेंट में 500 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 250 बच्चों का 10 LPA के ऊपर प्लेसमेंट जा रहा है और 250 बच्चों का 10 LPA के नीचे प्लेसमेंट जा रहा है। सो इट्स अ प्लेसमेंट रिकॉर्ड और ऑफ आवर डीजे सांगवी कॉलेज। सो यहाँ पे आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल प्लेसमेंट्स भी है कि कौन सी कंपनी ने कितना प्लेसमेंट दिया था। जैसे एडोबी ने 43 LPA दिया था, अल्फा ग्रिप ने 32 LPA में 3 स्टूडेंट्स को हायर किया, जेपी मोर्गन ने 37 स्टूडेंट को हायर किया एट 17.75 LPA। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। सो ये था डीजे सांगवी कॉलेज के ऊपर। बाकी डीजे सांगवी में हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं, डीजे सांगवी डजंट प्रोवाइड यू हॉस्टल, बट बाकी आपको बाहर बहुत सारे आउटसाइड हॉस्टल्स मिलेंगे। अंधेरी, विले पार्ले, जुहू साइड पे बहुत सारे हॉस्टल्स अवेलेबल है और उसका जो मंथली कॉस्ट जाता है हॉस्टल का, इट्स अराउंड 15,000 पर मंथ। सो हॉस्टल बहुत सारे, अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हो, गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, अपने बहुत फायदो मिले, सो माइनॉरिटी को अप्लाई करजो। बाकी कई भी डाउट हो तो आप मैंने कॉन्टेक्ट कर सको, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन छे, कमेंट सेक्शन में जाइने आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर सको। एंड स्पेशल ग्रुप इज मेन फॉर डीजे सांगवी माइनॉरिटी ग्रुप, सो माइनॉरिटी ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना गाइज। सो गाइस दैट्स ऑल अ लॉन्ग सेशन फॉर डीजे सांगवी कॉलेज। होप सो मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। कैप राउंड के कट ऑफ दिखा दी, वैकेंसी राउंड की कट ऑफ दिखा दी, प्लेसमेंट्स दिखा दिया, हॉस्टल फैसिलिटीज दिखा दिया। कॉलेज लाइफ देखनी हो तो हमारे चैनल पे विजिट करो, पॉडकास्ट सेक्शन में डीजे सांगवी के ऊपर सारी कॉलेज लाइफ भी अपलोडेड है कि यहाँ पे हमारे फेस्ट कैसे होते हैं, स्पोर्ट डे कैसे मनाते हैं हम, सब चीज आपको कॉलेज लाइफ के ऊपर अपलोडेड है। चैनल पे जाना, पॉडकास्ट सेक्शन में जाना, वहां पे सारे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हुए हैं डीजे सांगवी के ऊपर। So that's all about strong video about DSLV. Hope स्कॉलरशिप फॉर एबीसी कैंडिडेट एंड माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 50,000 ईयरली आपको मिलता है। सो बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी है। अगर आपको इन सबके चीजों पर डाउट्स आ रहे हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, और अपने काउंसिलिंग भी खरीद सकते हो। काउंसिलिंग हम आपको पूरा गाइड करेंगे। इट जस्ट कॉस्ट यू 1,025 रुपीज फॉर कम्प्लीट 3 मंथ प्रोसेस। आपके ऑगस्ट तक आपकी एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है, तो 3 महीने तक हम आपके साथ रहेंगे। आपका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, कॉलेज की लिस्ट हम आपको बना के देंगे। सो सब चीज आपको इस काउंसलिंग में मिलने वाली है। सो टू अवेल फॉर द काउंसलिंग एंड दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू पे, नेक्स्ट डिटेल वीडियो में। चलो फिर बाय बाय, हैव अ नाइस डे।